बाबा का आशीर्वाद है। SPM चैनल पर आपका स्वागत है। सामने जो आप आकृति देख रहे हो, इस आकृति का आपके जीवन में क्या महत्व हो सकता है या ये आपको क्या संदेश देना चाहती है। जैसे हम जो इस तरह के जो जलाते हैं जिसमें हम कलेवा यूज करते हैं या कोई इस तरह का धागा, उस पर आकृतियाँ और भी ज़्यादा स्पष्ट बननी शुरू हो जाती हैं, बड़ी बनती हैं, क्योंकि धागे में थोड़ी उनको मदद मिलती है। ये आप देखो कितना सुंदर स्वरूप दिख रहा है। सबसे ज़्यादा सुंदर आकृति आपकी भक्ति से ही बनेगी, चाहे आप कोई भी धागा रुई कुछ भी यूज करें। जैसे जैसे आपकी भक्ति में निखार होता है वो आकृति आपकी बदलती है। अब जो हम ये आकृति देख रहे हैं इसमें छोटे 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 फूल से या चक्र से बन रहे हैं, जो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी का प्रतीक होता है। अब ये आप देखो एक बड़ा सा फूल है, साइड में दूसरा है, ये क्या है? मैंने बहुत बार आपको बताया भी है कि जब हमारे एक से ज़्यादा देवताओं की कृपा हम पर आनी शुरू हो जाती है तब हमारे संकेत बदलते रहते हैं, एक ही चीज़ पर अलग अलग प्रभाव दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा प्रभाव है कि आपके भी दिल भी फूल भी, और ये देखो जैसे माता रानी खुश होकर बहुत धीमे धीमे पिंडी रूप में चल रही है, जैसे एक प्रकाश का स्रोत दिख रहा है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि बहुत जो जोत है वो बड़ी बड़ी चलती हैं, पर जब कई बार धीमी धीमी और एक शेप ले लेती है जो बिल्कुल आप कह सकते हैं प्रकाश दीप की तरह दिख रही है, ये माता का बहुत ही प्यारा संकेत होता है। इसका अर्थ ये होता है कि जो आप भक्ति कर रहे हो वो बहुत प्रेम से कर रहे हो। अब इसमें देखो माँ के तीन रूप बने हुए हैं। जब पिंडी रूप आता है तो माँ तीनों रूप में चलती है, जिसकी भी जोत पर पिंडी रूप आना शुरू हो जाता है माँ तीनों की तीनों रूप धारण कर लेती है। माता लक्ष्मी भी आती है, माता सरस्वती भी और माता दुर्गा, दुर्गा को माता पार्वती माता काली कुछ भी कह देते हैं, ये सिर्फ हमारा प्रेम है। अब ये देखो जैसे बहुत बहुत जैसे चंद्र दिख रहा है, ऊपर येलो कलर दिख रहा है, नीचे ब्लू कलर दिख रहा है, प्रकाश का एक ऐसा चीज़ आप देखेंगे जिसको आप महसूस कर सकते हो। बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल आप सभी का स्वागत करता है। हम रोहतक हरियाणा में रहते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल के मेंबर बन सकते हैं, उसके लिए भी आपको अलग से फैसिलिटी दी जाती है। और जैसे आप अपने दीपक की आकृतियों के बारे में कुछ पूछते हैं, आप कुछ अपने अनुभव के बारे में पूछते हैं तो आप दरबार में आ सकते हैं। रविवार को दरबार लगाया जाता है, मेहंदीपुर बालाजी की कृपा से आप आ सकते हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तो यहाँ पर देखो जो भी भक्त हमें वीडियो भेजते हैं उनकी वीडियो को हम बनाकर आप सबके सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि आपके अंदर भी वो ज्योत जल सके, वो प्रेम आपको भी प्राप्त हो सके जो सभी को प्राप्त होता जा रहा है। तो जब ऐसी आभा बनती है इसको हम पिंडी रूप कहते हैं, ये सभी देवताओं के आ जाते हैं, इसको सबसे साक्षात पवित्र और अकल्पनीय रूप कहा जाता है, जिसमें कोई भी धारणा नहीं रहती है, सिर्फ प्रभु से प्रेम की भावना रहती है। जब आपकी ऐसी पिंडी रूप बनता है ऐसे साक्षात में बहुत आपको अलग अलग अनुभव महसूस होंगे। जो अनुभव की सीरीज़ है हमने बताया कि बहुत सारे हमसे कहते हैं कि हमें कई बार लगता है कि हम किसी बगीचे में घूम रहे हैं और उस बगीचे में जो फूल खिले हुए हैं उनमें भी लाइट लगी हुई है, खुशबू आ रही है, ये क्या है? इसका अर्थ यही होता है कि जो आप अनुभव कर रहे हैं वो चीज़ आपकी आत्मा भी अनुभव कर रही है, वो भी घूम रही है, विचरण कर रही है, देवलोक की जो आगमन है उस पर वो जा रही है। बहुत सारे लोगों को डरावने सपने आने शुरू हो जाते हैं, वो पूछते हैं कि भक्ति में हमारे साथ डरावने सपने क्यों आते हैं? ये हमारे पिछले जन्म की कई बार पाप कर्म होते हैं या कोई हमें करा हमारे ऊपर कोई क्रिया कर देता है तो वो भी संकेत में दिखेगी
कि ये जिसने भी कराई है वो आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। बोले लड्डू गोपाल की जय। देखो लड्डू गोपाल के कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं लड्डू गोपाल।